सब आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 13। चैट खोल लेता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखनी है कि ये एलडीवी क्या होता है। एलडीवी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। अच्छा, कल हम लोगों ने दो एड्रेसिंग छोड़ी थी, कौन कौन सी? एक आपका सिंबॉलिक और एक आपका रिलेटिव। तो सिंबॉलिक तो ये आपके लेबल्स आ गए, ये सारी चीजें आ गई, लेबल्स एड्रेस की जगह लेबल्स आ गए, इनको हम लोग कहते हैं सिंबॉलिक एड्रेसिंग। और ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है एलडीवी, एलडीवी फिर से मैं बड़े बड़े करके लिख देता हूँ यहाँ पे, एलडीवी ये बेसिकली होती है हमारी रिलेटिव एड्रेसिंग। सही है। रिलेटिव एड्रेसिंग बेसिकली क्या होती है, आप लोगों को जो भी वैल्यू देता है वो यहाँ पे, जैसे सपोज करो वो कहता है एलडीवी हैश टैग, सपोज करो 17 कह रहा है वो। सही है, एलडीवी 17 कह रहा है, तो जहां पे भी वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी आप वहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा, इसके बाद नंबर ही नहीं है तो मैं काम करता हूँ इसको चेंज करके 16 कर देता हूँ। सही है, एलडीवी 16 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहां से वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसके अंदर हम लोग देखेंगे 16th वैल्यू पे। अब देखो क्या नंबर पड़ा हुआ है, 32। इसको हम लोग लोड कर देंगे ACC में, यहां पे आ जाएगा ये आपका 32। अब इसको फिर से सुनते हैं। सपोज करो यहां पे लिखा हुआ था एलडीवी 15। सही है, अगर यहाँ पे एलडीवी 15 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसकी बेस वैल्यू से 15th नंबर आगे आएंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग लोड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब लोड क्या करेंगे, 67 हम लोग लोड कर देंगे हमारे अक्यूमुलेटर के अंदर। फिर से देखते हैं, अब वो अगर कहता है एलडीवी 14 तो हम क्या करते हैं, ऊपर से आएंगे जहां पे भी वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होगी वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ गया हमारा 14th नंबर, 51 हम लोड कर देंगे अक्यूमुलेटर के अंदर। कोई मसला किसी को? अब एक काम करो, इसकी तुम लोग डेफिनेशन लिखो जल्दी से। ये लो, फ्रॉम द एड्रेस बाय एडिंग द गिवन नंबर टू द बेस एड्रेस एंड देन लोड द वैल्यू ऑन दैट एड्रेस, फॉर्म द एड्रेस। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस को खुद फॉर्म कर रहे होते हैं, ये फॉर्म लिखा हुआ है FORM, फॉर्म द एड्रेस बाय एडिंग द गिवन नंबर टू द बेस एड्रेस। जो भी बेस एड्रेस है उसमें ऐड करो और जो भी वैल्यू आ जाए उस पे चले जाओ। और उसकी सबसे आसान तरीका यही है, जहां से भी वो स्टार्ट हो रही है उसको तो नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो और जो भी उसके बराबर में लिखा हुआ होगा उस वैल्यू तक जाके उसको एक्सेस कर लो। जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लो अपने पास, या तुम लोगों ने तस्वीर खींचने से खींच लो। अच्छा, ऐड क्या मतलब, आओ देखते हैं। देखो ये जो मैंने तुम्हें बताया है इस तरीके से कर लो, सबसे आसान तरीका यही है।
ऐड करने में ना फंस जाओगे। देखो मैं बताता हूँ। अच्छा सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोगों की, जैसे सपोज कर लो इस सवाल, अच्छा सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं अब इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है LDV 15, सही है, LDV 15 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग करना अपनी, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब जो भी वैल्यू 15 नंबर पर होगी उसको उठाओ और अक्यूमुलेटर में लोड कर दो। सबसे आसान तरीका यही है, वरना बेसिक मतलब क्या है, ये जो 24 है ना इसको तुम लोग ऐड करो, 15 + 24 करो, और जो भी नया एड्रेस आ जाए उस पे जाके तुम लोग डाटा को लोड कर दो। लेकिन इस मेथड से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे 0, 1, 2, 3। बेसिकली क्या होता है, आप लोगों को फिर बार बार रिपीट करना पड़ता है ना, तो सबसे आसान तरीका ये, अभी हम इस सवाल के अंदर देखेंगे कि वो बार बार हमें LDV LDV करना पड़ेगा, फिर बार बार एडिशन करते रहो, उसमें टाइम ज़ाया होगा। तो बेहतर क्या है, इसको तुम लोग जहाँ पे भी LDV लिखा हुआ है वहाँ से काउंटिंग करो और एंड तक उसके काउंटिंग करके रख दो साइड पे पेंसिल से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिख दिया, उसके बाद जो भी उसके बराबर में नंबर आए उस पर जाओ और फ़ौरन लोड कर दो। सबसे ईजी तरीका यही है, वरना फालतू में हर दफ़ा ऐड करते रहोगे उसमें खौरी हो जाएगी। अच्छा अब आप पे सवाल देखते हैं, खुद समझ आ जाएगा तुम लोग अगर अभी तक क्लियर नहीं है। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 13 कर रहे थे हम लोग। अच्छा जी अब सवाल करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से ना। जो चीज़ें समझनी थी वो हम लोगों ने देख ली। अच्छा जी सबसे पहले वो कह रहा है स्टार्ट प्रोग्राम, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और LDV काउंटडाउन, काउंटडाउन पे जाओ नीचे देखो, ये होती है आपकी सिंबॉलिक एड्रेसिंग। काउंटडाउन पे देखो क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 15 पड़ी हुई है, ये सारी काउंटडाउन की वैल्यू है, 15, 32, 51, 67, ये सब क्या है, काउंटडाउन की वैल्यू है। लेकिन अभी इस टाइम पे हम लोग की जो काउंटडाउन की वैल्यू है वो क्या है, 15, ये रही काउंटडाउन की वैल्यू हमारी 15। हम लोग क्या करेंगे, LDV 15 समझ लो इसको, LDV #15, सही है। अब सबसे पहला काम क्या था हम लोगों ने, LDV 15 समझ लो, काउंटडाउन पे जाके वैल्यू देखो क्या है, काउंटडाउन पे वैल्यू पड़ी हुई है आपकी 15। हम लोगों ने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शन के साथ LDV 15 लिख दिया। अब सबसे पहला काम क्या बताया कि भाई काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, सही है। इसके बाद क्या काम है, जो भी उसके बराबर में नंबर लिखा हुआ है उस पे जाओ और जो भी वैल्यू पड़ी है उसको लोड कर दो अक्यूमुलेटर में, 67। क्या अक्यूमुलेटर में 67 लिखा हुआ है, हम लोगों ने चेक कर लिया 67 लिखा हुआ है। अच्छा इसके बाद वो कह रहा है CMP num1, CMP num1 से क्या मतलब है, कंपेयर करना है हमें num1 के अंदर जो भी वैल्यू है, num1 कहाँ है। हम लोगों ने लेबल्स के अंदर देखा अपने, num1 में वैल्यू पड़ी हुई है 32। क्या हमारे अक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो कंपेयर हो पा रही है 32 से, मतलब 67 इज इक्वल्स टू 32। आंसर आया भाई फॉल्स। अच्छा एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी फिर से देखते हैं, अब वो कह रहा है दूसरी इंस्ट्रक्शन में कंपेयर num1, num1 के अंदर वैल्यू हम लोगों ने देखी नीचे जाके, कंपेयर में num1 के अंदर वैल्यू पड़ी हुई थी 32। क्या 32 67 के बराबर है, क्योंकि हमारे एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है 67, तो आ गया आंसर फॉल्स। इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन देखते हैं, JNE, JNE का मतलब क्या है, हम लोग जंप जंप करेंगे
जब आपका कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। अभी हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ होगा इंस्ट्रक्शन सेट, ये देख लो JNE। हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा, हम लोगों ने तो JPE पढ़ा है, सही है? तुम लोगों ने पढ़ लो उसको, JNE फॉलोइंग अ कंपेयर इंस्ट्रक्शन जंप टू एड्रेस इफ कंपेयर वॉज फॉल्स। अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन तुम लोग को मिले जो थोड़ी बहुत नहीं लगे तुम लोगों के कि भाई थोड़ा बहुत ये हम लोगों ने नहीं स्टडी किया हुआ, तुम लोग फौरन आओगे इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर, या आप लोगों को हमेशा दिया हुआ होगा। वहां पे तुम लोगों ने देखा JNE क्या कह रहा है, भाई सेम चीज है भाई, ये तो JPE की तरह है। क्या कह रहा है, फॉलोइंग इफ द कंपेयर वॉज फॉल्स, अगर कंपेयर फॉल्स हो रहा है तो हम लोग जंप करेंगे। अच्छा इस एग्जाम्पल में हम लोगों के जो कंपेयर है वो फॉल्स हो रहा है तो हम लोग जंप करेंगे। कैरी ऑन पे जंप करना है, कैरी ऑन पे जंप करने का मतलब है यहाँ पे जंप करनी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आउच, आउच का हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही नहीं है भाई, ये क्या है? आओ नीचे देखते हैं, आउच पढ़ो। आउच क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम काम कर रहा है ये तो आउट की तरह। आउटपुट द करेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द ASCII करेक्टर कोड इन अक्यूमुलेटर, मतलब हमारे अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, एक्यूमुलेटर में हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 67। अब वो कह रहा है आउच, आउच कर दिया उसने 67 पे सी, ऊपर देख लो यहाँ पे सी, उसने आउच जो है वो बेसिकली आपके आउटपुट की तरह काम कर रहा है। यहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सर ये आउच वाला मुझे दोबारा बताइएगा कि आपने सी कैसे कर दिया। अच्छा ये उन्होंने हमें पहले से करके दिया पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग देखते हैं अक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या थी। उस वक्त हमारे अक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई थी 67। हम लोग गए, हम लोगों ने अपने टेबल के अंदर देखा, टेबल के अंदर 67 का है, 67 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 67 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, सही है? हमेशा ये जो होते हैं नीचे जो तुम लोग के अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यूज होती हैं वो आपका ASCII कोड होता है। अब हम लोगों ने उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टर है उसको चूज करना होता है और उसको आउटपुट करना होता है। अच्छा आउट जो है उसको याद रखो, ये आउट के बराबर है, बिल्कुल सेम काम करता है जो आउट कर रहा होता है। हम लोगों ने देखा 67, 67 पे सी है, उन्होंने हमें पहले से करके दिया हुआ है, तो ये 67 पे सी आया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब क्लियर है अहमद? नहीं सर वो आपकी आवाज हट गई थी। आप सी पे 67 था, आउच मतलब हमें पता कैसे चला कि अभी सी पे जाना है, वो जो नीचे लिखा हुआ था पहले से ही। अच्छा कैरी ऑन हम लोगों ने JNE करा, मतलब अगर कंपेयर फॉल्स था तो हम लोग ने जंप कर दी कैरी ऑन पे, कैरी ऑन पर आए। कैरी ऑन पर आने के बाद ये हम लोग का लेबल था, कैरी ऑन पे आने के बाद हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़ी आउच। आउच तो हम लोगों ने आज तक पढ़ी भी नहीं थी, तो हम लोग ने नीचे गए इंस्ट्रक्शन सेट में देखा अपने कि आउच का मतलब क्या है। आउच का मतलब ये है, आउटपुट द करेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ASCII करेक्टर कोड इन ACC, मतलब क्या हुआ कि अक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक ASCII कोड। 67 जो है वो आप लोगों का रिप्रेजेंट कर रहा है ASCII कोड। हम लोगों ने देखा जल्दी से आके अपने टेबल के अंदर, जो भी 67 के कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टर होगा हम उसको आउटपुट कर देंगे। अब क्लियर है, आउट का मतलब है आउटपुट। जो भी अक्यूमुलेटर के अंदर, जैसे अगर सपोज करो अक्यूमुलेटर में वैल्यू होती 88, आउटपुट क्या आता, आउच अगर लिखता है इसके बाद तो वो हम लोग आउटपुट करते एक्स। अब क्लियर है हमारे? अहमद जल्दी जवाब, हाँ यस सर और मैं थोड़ा सफाई कर दूं इसकी, पुराना खिचपिच हो गया ये। चलिए अब हम लोगों ने देखा यहां पर आके LDD काउंटडाउन, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब वो कह रहा है LDD काउंटडाउन, काउंटडाउन में क्या वैल्यू पड़ी हुई है 15। LDD का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन ये जब भी लेबल दिया हुआ ना आपको, अब सुनो LDD काउंटडाउन मतलब आप काउंटडाउन पे जाओगे और जो वैल्यू पड़ी होगी उसको आप लोड कर दोगे। काउंटडाउन पे जाओगे और जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको लोड कर दोगे, ये हो गई हमारी डायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ पे देखो लोड किया हुआ उसने 15। इसके बाद वो कह रहा है DEC, अगर वो DEC के बराबर या INC के बराबर आपका कोई रजिस्टर के नाम नहीं लिखता तो इसका मतलब क्या है, हमेशा आप लोग अक्यूमुलेटर के अंदर ही करेंगे। तो DEC का मतलब क्या होगा, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा ये।
यहां तक कर लिया। अब वो कह रहा है जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर के अंदर है उसको स्टोर कर दो काउंटडाउन के अंदर, काउंटडाउन के अंदर स्टोर कर देंगे हम लोग। हमने स्टोर कर दी 14। इसके बाद वो कह रहा है जेएमपी, जेएमपी का मतलब है कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, बस इसको जंप कर दो। जंप कहाँ करनी है? स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर। स्टार्ट प्रोग्राम कहाँ पर है? यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों को जंप करनी है। अब हम जो कोड स्टार्ट करेंगे अपना फिर से स्टार्ट प्रोग्राम से करेंगे। अच्छा जी, अब वो कह रहा है स्टार्ट प्रोग्राम पे एलडीवी काउंटडाउन। देखो अब मैं इसको 15 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि अब हमारे काउंटडाउन की वैल्यू हो गई है चेंज, क्योंकि हम लोगों ने इसको स्टोर कर दिया था यहाँ पे काउंटडाउन के अंदर 14। जब हम लोगों ने 14 स्टोर किया है तो हमारे काउंटडाउन की वैल्यू हो गई है चेंज। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया? एलडीवी हैशटैग 14। अब हमने अपनी जो काउंटिंग लिखी हुई थी उसका हम लोग अब फायदा उठाते हैं। हम लोगों ने देखा भाई 14 कहाँ पर है, 14 पर वैल्यू है 51, ये रही। हम लोगों ने इसको लोड कर दिया 51 एक्यूमुलेटर के अंदर। अब फिर कह रहा है वो कंपेयर करो नम वन से। नम वन के अंदर वैल्यू क्या थी? नम वन के अंदर वैल्यू 32 थी। अभी भी हमारा कंपेयर हो गया फॉल्स। हम लोगों ने जे एन ई देखा, जे एन ई कब करते हैं? हम लोगों ने नीचे पढ़ लिया था कि जब भी हमारा कंपेयर फॉल्स होगा तो हम लोग जे एन ई करेंगे। हम लोगों ने जे एन ई किया, जे एन ई करते हैं, कैरी ऑन पे कह रहे हैं वो। हम लोग कैरी ऑन की तरफ आ गए, कैरी ऑन पे कह रहा है आउच। अब मुझे बताओ तुम लोग, आउच जब हम करेंगे तो आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से जवाब दो, एक दफा देख लो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू क्या है। मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक्यूमुलेटर में वैल्यू हमारी 51। अब वो कह रहा है काउंटडाउन पे आउच, कैरी ऑन पे सॉरी। इमाद बेहतरीन, सही जवाब, गलत है बल्कि सही है, सही है, सही है, सही है। अब्दुल्ला खान सही है, इमाद भी सही है, सही सही सही, ठीक है। हाशिम गलत है। आउटपुट में अब वैल्यू क्या आएगी? 51 जो है वो हमारे अक्यूमुलेटर के अंदर पड़ा हुआ है हमेशा। अब ये 51 जो है बेसिकली आपका ए एस की कोड, सही है हाशिम, अब सही है, ठीक है। तो हमारे अब आउटपुट में वैल्यू आ जाएगी 3। अब्दुल्ला अशफाक सही है, आउटपुट में वैल्यू आ गई 3। अब वो कह रहा है हम लोगों ने कर लिया था आउट तक, यहां तक कर लिया था। मैं इसको फिर से रेस कर रहा हूँ चीजों को ताकि थोड़ा सबमिट जाए। अब वो कह रहा है एलडीडी काउंटडाउन। अब मुझे बताओ एलडीडी काउंटडाउन अब मैं क्या लिखूंगा एक्यूमुलेटर में? एलडीडी काउंटडाउन, जल्दी जल्दी जवाब दो, एलडीडी काउंटडाउन। अब्दुल्ला खान बेहतरीन जवाब, इमाद गलत जवाब। इमाद अब देखो काउंटडाउन की वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो चुकी है, तब इसको दिमाग में रखो कि जब वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, सही है। तो अब मैं क्या लोड कर दूंगा एक्यूमुलेटर में वैल्यू? 14 लोड कर दूंगा। हम लोगों ने कहां तक कर लिया? एलडीडी काउंटडाउन। अब वो कह रहा है डीईसी, डीईसी का क्या मतलब था? हम लोगों ने डिक्रीमेंट करना है एक्यूमुलेटर के अंदर, जहां पे 14 था वहां पे 13 कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है स्टोर कर दो काउंटडाउन पे, स्टोर कर दिया काउंटडाउन पे, यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया काउंटडाउन पे। अब फिर से देख लो काउंटडाउन की वैल्यू फिर से चेंज हो चुकी है। अब वो कह रहा है हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, अब वो कह रहा है फिर से जंप कर लो भाई स्टार्ट प्रोग्राम पे। वापस आ गए हम लोग स्टार्ट प्रोग्राम पे। अब वो कह रहा है एलडीवी काउंटडाउन, लेकिन अब हमारे काउंटडाउन की वैल्यू हो चुकी है चेंज। अब यहाँ पे क्या आ चुका है? 13। नीचे देखो काउंटडाउन के अंदर वैल्यू क्या थी? 13 थी। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया? एलडीवी 13, 13 पर आए हम लोग, 13 पे आए 32। इमाद बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे अब हम लोगों ने लोड कर दिया 32। अब वो कह रहा है कंपेयर करो नम वन से। अब जो है हमारा कंपेयर हो गया ट्रू। नम वन के अंदर क्या वैल्यू थी? 32 थी। अक्यूमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू है? 32 है। कंपेयर हो गया ट्रू। तो हम लोग जे एन ई वाली इंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, अब हम आएंगे उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन पे। अब वो कह रहा है जंप फिनिश, फिनिश मतलब ऐसी खत्म नहीं कर देना, देखो पहले लेबल्स कहाँ पर है। हम लोगों ने यहाँ पे जंप की, फिनिश पर आए। फिनिश पर आने के बाद हम लोगों ने देखा LDM 88। LDM 88 का मतलब क्या है? इमीडिएट एड्रेसिंग, बस फौरन लोड कर दो 88 को। हम लोगों ने यहाँ पे लोड कर दिया। इसके बाद वो कह रहा है आउच, आउच का मतलब क्या होता है? LDM एक्यूमुलेटर में मेरे पास वैल्यू है 88, अब मुझे बताओ आउच में क्या आंसर आएगा? अहमद जवाब चाहिए तुम्हारा, सही है अहमद जी सर।
एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है 88, आउच, अब इंस्ट्रक्शन आई है आउच, एक्स आ जाएगा ना, बेहतरीन, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स। अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड, तुम लोग का प्रोग्राम खत्म, 5 मार्क्स मिल गए तुम लोग को, कोई मसला? चैट में जवाब दो जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। सही हाशिम, क्लियर है, ठीक है। दिला खान, कोई मसला? सही है। अहमर, कोई मसला? नहीं सर। अब देख लो बाकी जितने सवाल हैं वो तकरीबन सारे सेम है। हम लोग ऊपर करते हैं, LDD 35 355 क्या लोड होगा, एड्रेस में देखो लोड कर दो, बहुत आसान सारी चीज़ें। देखो बिल्कुल सेम सवाल आ गया, बड़ा क्वेश्चन है। LDD 96, CMP 97, JPE, LDX, CMP, JPN, out, LDD, increment store, increment JMP and बाकी सारी instructions सेम है। इस सवाल को देख लो, सब चीज़ें एक एक चीज़ हम लोगों ने अब स्टडी कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं आप लोगों को टाइम, हम लोगों की जो अब नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें है आप लोगों का अब डेली क्लासेस। मैं एक मिनट खोल लेता हूँ अपने पास प्लान। अच्छा जी, आज आप लोगों का जैसे असेंबली लैंग्वेज खत्म हो गया, अब कोई इसमें कुछ रहता नहीं है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, बस आप लोगों ने मुझे 5 रुपये सॉल्व करके देने हैं। लेकिन आप लोगों के पास जो टाइम है वो है 23 अगस्त से पहले मुझे असेंबली लैंग्वेज का एक एक टॉपिकल 5 रुपये चाहिए है, और जिसके पास नहीं है वो मुझे बता दें, मैं उसको PDF सेंड कर देता हूँ, मैं एक ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। तो जितने सवाल इसके अंदर है आप लोग वो सॉल्व करके दे दें। और दूसरी बात ये कि अब आप लोगों का 23 अगस्त से रेगुलर क्लासेस हैं, मतलब डेली क्लासेस होंगी 23, 24, जो मैंने टाइम टेबल भेजा हुआ है उसके अंदर, पूरा जो प्लान भेजा था उसके अंदर। अब मुझे आप लोग ये बता दें कि टाइमिंग क्या रखनी है, इसलिए ये वाली जो क्लासेस होंगी ये कुछ क्लासेस थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, मतलब जैसे मुझे थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो मैं थोड़ी वो होंगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की भी हो सकती हैं, 3 घंटे की भी हो सकती हैं। तो मुझे आप लोग टाइम बता दो कि कौन सा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, इसलिए मुझे पूरा Paper 2 ख़त्म कराना है इन 10-15 दिनों में। हाशिम सही है, ठीक है। क्या चीज, यही सेम टाइम? यस सर। चलो बेहतरीन है, फिर एक काम करते हैं, अराउंड 8:30 या 8 o'clock 8:30 कर लेते हैं, 8:30 टिल 10:30 तक का कर लेंगे। सही है, फिर मैं तुम लोगों को मुझे 5 रुपये भेजो असेंबली लैंग्वेज के सॉल्व करके, 23 अगस्त से पहले चाहिए मुझे। फिर हम लोग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों का पूछो। मेरे पास नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे? चलो मैं कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ इस पर। सही है, बाकी आप लोग मुझे ये सॉल्व करके भेजें 23 अगस्त को, और कोई मसला हो तो मुझे DM कर देगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको देख लूंगा। सर 23 अगस्त को आपको यही वाला चाहिए ना डॉक्यूमेंट जो अभी आप शो करा रहे हैं? हाँ, ये सारा मुझे सॉल्व करके देना तुमने, बाकी जो उन लोगों के पास है मुझे सॉल्व कर देना। ठीक 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 है, चलो जी फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह 23 अगस्त को। सही है जी, अल्लाह हाफिज़। बाय। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।